एक ऐसा कैनल जहाँ पर आप लोग को चैंपियन लाइन के पपीज मिलते हैं, इंपोर्ट लाइन के पपीज मिलते हैं, और उनके कैनल से ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स चैंपियन भी बन चुके हैं, जिसका नाम है रॉकलैंड कैनल। दोस्तों रॉकलैंड एक बहुत ही फेमस कैनल है जिसके ओनर इसे लास्ट 12-15 साल से रन कर रहे हैं, और इनके पास आप लोग को सिर्फ एक ही डॉग ब्रीड मिलेगी और वो है बुल मैस्टिफ। तो जब कोई बंदा एक ब्रीड पर इतना टाइम दे रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसके पास क्वालिटी कैसी होगी। तो अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिंकल्स, पंच फेस और हैवी मसल और ब्रॉड हेड के साथ बुल मैस्टिफ चाहिए तो भाई ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस ब्रीड को। तो गाइस जब आप लोगों को ऐसी क्वालिटी इंपोर्ट लाइन मिले और उसमें पेपर्स ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जगह इस पपीज जो है ये केसी रजिस्टर्ड है, तो जो लोग इस ब्रीड को परचेज करने के लिए जगह जगह घूम चुके हैं तो एक बार इनके कैनल पर जरूर विजिट करके देखें। एंड दोस्तों मोस्टली आप लोगों को बुल मस्टिफ का जो फेस होता है ना वो इतना डार्क नहीं मिलता जैसा कि आप लोग इन पपीज का देख रहे हैं। तो गाइस बुल मस्टिफ एक काफी मस्कुलर, बल्कि एंड भारी भरकम डॉग ब्रीड है, और ये चीज इनके नाम से ही झलकती है। तो दोस्तों बुल मस्टिफ एक बहुत ही वफादार डॉग ब्रीड है, काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, और अगर आप लोगों के पास मीडियम साइज का घर है ना तो आप लोग इस ब्रीड को रख सकते हो। एंड दोस्तों बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जो मस्टिफ डॉग ब्रीड होती है ना उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी कम होता है। ऑब्वियसली ये चीज सही भी है, बट भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मस्टिफ डॉग ब्रीड को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखते हैं, उन्हें ज्यादा हैवी और बल्की नहीं होने देते। ऐसा ही मैंने जब लास्ट टाइम डॉग शो में विजिट किया तो वहां पे मैं एक बंदे से मिला जिसने मुझे बताया कि उनके पास जो बुल मस्टिफ होते हैं ना उन सभी की लाइफ स्पैन मिनिमम 12 इयर्स तक होती है। और गाइस अगर आप लोग ऐसी प्रीमियम क्वालिटी ले रहे हैं ना तो इनके लिए आप लोगों को फूड भी थोड़ा प्रीमियम ही लेना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को फूड की नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग काफी अच्छा फूड परचेज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों की मेहनत और फूड दो ही चीज ऐसी हैं जो आप लोगों के नॉर्मल से डॉग को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी मिला सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी भाई शो क्वालिटी के डॉग्स हैं। बाकी फिर भी गाइस पपीज को परचेज करते टाइम डॉग ओनर से अच्छे से हर एक चीज को कंफर्म कर लें, क्योंकि भाई उनका काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इस डॉग ब्रीड के साथ। तो फिर अगर इन पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो भाई ये जो आप लोग देख रहे हैं यही इन पपीज की मदर, जो कि फैबुलस क्वालिटी की है। आप लोग इसकी हेल्थ, मसल और हेड साइज देखिए भाई बहुत ही भारी है। एंड गाइस फादर की क्वालिटी देखिए भाई, फादर भी अल्टीमेट क्वालिटी का है और ये इंपोर्ट लाइन से है। बाकी इनके केस है, पेपर्स या इनके बारे में और कुछ भी पूछना तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप लोग कहां से इन्हें परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 45 डेज के हो चुके हैं और अल्टीमेट क्वालिटी में है, और ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी मिल जाएगी, आप लोग घर बैठे बैठे इन्हें कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप लोग ओनर के कैनल पर विजिट करके भी इन्हें परचेज कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग कैनल पर जाओगे तो आप लोग सभी को कंपेयर करके एक बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का डॉग परचेज कर सकते हो। बाकी फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई सभी पपीज केसीआर रजिस्टर्ड हैं, चैंपियन लाइन से हैं, तो उन्हें जो इनका स्टार्टिंग प्राइस रखा है ना वो रखा 25,000 पीस यानी 25,000 रुपए। बाकी प्राइस ऊपर भी जाएगा बट वो डिपेंड करेगा इनकी क्वालिटी के ऊपर। बाकी भाई इस प्राइस में और केसीआर पेपर्स के साथ पपीज की क्वालिटी अल्टीमेट है। बाकी आप लोगों को प्राइस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।